हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए गवर्नर जनरल तथा वाइस राय से संबंधित पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में की गई थी, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? आपके ऑप्शन है 1858, 1818 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1802 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी। दोस्तों, 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉक, लॉर्ड मेयो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। दोस्तों, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। लिटन ने 1876 ईस्वी में वायसराय बनकर आने के बाद अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का प्रयोग किया, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घकाल समय तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक लगभग 7 वर्षों तक भारत के वायसराय रहे, जो सबसे अधिक अवधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 ईस्वी में हुई थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ, जिसके तहत 50,000 पौंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 11। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, एनी बेसेंट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 12। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों की सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 13। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेले जली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। इनका प्रमुख उद्देश्य है हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना और नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डरविन, लॉर्ड रीडिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, जो 1921 से 1926 तक रहा। इसी के समय में चोरी चोरा कांड और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या जी बी जोशी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जी बी जोशी। जी बी जोशी 1877 ईस्वी में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सोर, बारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बारेन हेस्टिंग। दोस्तों, बारेन हेस्टिंग कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 18। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, बारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बारेन हेस्टिंग। दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग ही था, इसको याद रखेंगे, जो 1774 से 1785 तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 19। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल का विभाजन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के वायसराय बनने के बाद 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? कोलकाता, बम्बई, मद्रास, गोवा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बम्बई। दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले 1854 ईस्वी में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, सिविल सेवा की शुरुआत भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, जिसमें सबसे पहले चुने जाने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से 1862 तक वायसराय के पद पर रहा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जो 1947 से 1948 तक भारत का गवर्नर जनरल के पद पर रहा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।